शासन के आदेशानुसार हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक आयोजित किया जाना है। इस हेतु नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति सम्मान और महत्व की भावनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए दो पहिया वाहन रैली नगर परिषद कार्यालय से निकाली गई। शासकीय स्कूल से शुरू हुई यात्रा में कर्मचारियों और बच्चों द्वारा हाथों में तिरंगे झंडे लेकर उत्साहपूर्वक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नारे लगाए गए। राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ प्रत्येक घर में दिनांक 13 से 15 अगस्त तक फहराए जाने के संबंध में जानकारी भी दी गई। नगर परिषद बैठमा स्टाफ तथा विद्यालय स्टाफ के साथ विद्यालय परिसर से पूरा बाजार होते हुए अंबेडकर चौराहा से वापस विद्यालय परिसर तक विशाल रैली निकाली गई। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं प्राचार्य द्वारा सभी नागरिकों से इस अभियान में भरपूर सहयोग देने एवं अभियान की सफलता की अपील की गई। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। अंतर्गत शासन से निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं कि 11 से 17 अगस्त तक जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लगाया जाना है। तो मैं बेटमा नगर परिषद के और नगर के सभी रहवासियों से निवेदन करता हूं कि वो 13 से 15 अगस्त तक अपने प्रत्येक घर में झंडा लगाएं। 75 वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए हो गए हैं और ये 75वां स्वतंत्रता दिवस अपन मना रहे हैं। इसकी याद में झंडे की प्रोग्राम जो चल रहा है और ये नगर पंचायत अध्यक्षता की के तत्वाधान में ही हमारे यहाँ एक रैली निकाली जा रही है, जिससे कि जनता को जागृत किया जा सके कि किस तरह से हमारे देश के सेनानियों ने अपना कुर्बानी देकर इस देश को स्वतंत्र कराया। आज हम उसको याद रखें और इस देश को जितना हो सके उतना आगे पहुँचाया जा सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।